इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। देखो लिक्विड ड्रॉप और ऐसे एक और टॉपिक आएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल या लिक्विड बबल। बबल के अंदर क्या खास बात है, अंदर एयर बाहर भी एयर, तो दो दो सरफेस टेंशन हैं। ड्रॉप में सिर्फ बाहर एयर तो एक ही सरफेस टेंशन है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मैं पहले एग्जांपल बबल का लेना चाहता हूं, उससे ज्यादा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बबल है, इमेजिन करो एक सोप बबल है, ये अभी तैयार हो गया, बन गया। ये जैसे ही बना और हवा में आया तो एयर इसके ऊपर क्या लगाएगी, एटमोस्फेरिक प्रेशर, हर तरफ से दबाएगी। तो एयर क्या करेगी, चाहेगी कि ये दबे और ये इसका एरिया कम से कम हो जाए। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन भी ये चाहती है कि ये दबे, ये और छोटा हो जाए। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी ये चाह रहा है कि ये छोटा हो जाए, और जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या चाह रही है, ये छोटा हो जाए। अब एक्चुअल में ये जो जो आपका बबल है ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी फट भी जाता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही छोटा होगा, वॉल्यूम तो उतना ही है जितना है, ये अपने अंदर एक प्रेशर डेवलप कर लेगा आउटसाइड कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ, ताकि ये दबे ना। जैसे आप बंद चीज को दबाते हो तो अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, अगर आप किसी को छोटा करोगे तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा उसमें। तो उसी तरीके से जब आप इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है, सरफेस टेंशन भी इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अपने अंदर प्रेशर डेवलप कर लेता है रेडियली आउटवर्ड्स। और होता क्या है, कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर एटमोस्फेयर ने फोर्स लगाई या एटमोस्फेयर ने इसको दबाया, सरफेस टेंशन ने दबाया, और इसने क्या डेवलप कर लिया, इनसाइड का प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर बैलेंस करता है सरफेस टेंशन को और साथ में एटमोस्फेयर को, और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो या ये छोटा बड़ा होगा या ये बस्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो अंदर का प्रेशर विल बैलेंस एटमोस्फेयर का प्लस सरफेस टेंशन का, वहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए ये एक इक्विलिब्रियम अटेन करके वहीं पे रुक जाता है। तो अभी क्या है कि आपको क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है, बबल अंदर प्रेशर डेवलप कर लेता है पी इनसाइड, जो आउटवर्ड होता है, और बाहर से क्या प्रेशर लग रहा है, पी एटमोस्फेयर है। तो अगर आप इसके अंदर का प्रेशर, बबल के अंदर जो प्रेशर है और एटमोस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस निकाल दो, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर क्या है, बबल ने जो अंदर प्रेशर डेवलप किया अपना, और माइनस एटमोस्फेरिक, क्योंकि अंदर का प्रेशर एटमोस्फेयर से बड़ा ही होगा तभी उसको रोक पाएगा। तो अंदर का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम दो केस लेंगे। पहले हम ड्रॉप लेंगे, एक लिक्विड का ड्रॉप बना, ड्रॉप बनते ही कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ड्रॉप के अंदर भी प्रेशर डेवलप हो जाता है जो बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर को और सरफेस टेंशन को। तो आपको एक्सेस प्रेशर किसमें निकालना है, पहले लिक्विड ड्रॉप में और फिर हम करेंगे लिक्विड के बबल में। तो पहले ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप के अंदर क्या किया, आपने एक लिक्विड का ड्रॉप कंसिडर किया, जो प्रेशर इनसाइड है वो बाहर है और एटमॉस्फेरिक अंदर की तरफ है, और डिफरेंस जो है वो कहां होगा, वो बाहर होगा। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ा है एटमॉस्फेयर से। तो इसके अंदर सपोज करो एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है ऑफ रेडियस r, सिग्मा इसमें सरफेस टेंशन है, और इन दोनों का डिफरेंस इस p, p का मतलब है एक्सेस प्रेशर, यानी कि इस बबल के ड्रॉप के अंदर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, p, विच इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। तो p एक्सेस प्रेशर है, जिसकी डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों, क्योंकि p इनसाइड बड़ा है, p एटमॉस्फेरिक छोटा है। तो ये p का मतलब इनसाइड प्रेशर नहीं है, p का मतलब यहां पर एक्सेस प्रेशर है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर है। तो सपोज करो यहां पर एक ड्रॉप लिया आपने, और एक्सेस प्रेशर p, जो कि डिफरेंस है प्रेशर का x, नॉर्मली आउटवर्ड, ये भी मैंने बताया नॉर्मली आउटवर्ड है। तो मान लो आपने एक ड्रॉप लिया जिसका रेडियस आपने r लिया, और मान लो इस प्रेशर ने, जो एक्सेस प्रेशर है, उसने क्या किया, इस ड्रॉप के रेडियस को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, हल्का सा, डेल्टा आर या डीआर बढ़ा दिया। अब डीआर बढ़ाने का मतलब नेचर के अगेंस्ट काम किया, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम किया,
सरफेस टेंशन जाती है कि ये छोटा हो जाए, और इस प्रेशर ने क्या कर दिया, मान लो इसे बड़ा कर दिया। अब जब बड़ा किया तो सरफेस टेंशन की फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी सरफेस के अंदर, सरफेस एनर्जी, क्योंकि एक्चुअल में तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, पर अगर आप इसमें दबा इसको बड़ा करते हो, बड़ा करने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक्सेस प्रेशर क्या करेगा, वर्क डन करेगा, जितना भी ये वर्क डन करेगा उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी ड्रॉप में इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो एक टाइम पे ये दोनों बराबर हो गए, अगर मान लो इसने एक जूल का काम किया इसको एक्सपैंड करने में, तो उतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस, क्योंकि मॉलिक्यूल तो पास था ना, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, पूरा ड्रॉप तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्क डन निकलवाएंगे एक्सेस प्रेशर से। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ये ड्रॉप कितना बड़ा किया, डेल्टा आर, डीआर, डीआर बड़ा हो गया आर से डीआर, तो वर्क डन कितना किया, एफ इनटू डीआर। ये वर्क डन किसने किया, एक्सेस प्रेशर ने किया। एक्सेस प्रेशर क्या होगा, फोर्स की वैल्यू एक्सेस प्रेशर की फॉर्म में क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि ड्रॉप का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो प्रेशर इनटू एरिया। पी का मतलब एक्सेस प्रेशर ने वर्क डन किया और ड्रॉप के रेडियस को बढ़ा दिया बाय डीआर। ये स्टेप क्लियर है। अब जितना भी वर्क डन किया ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। एनर्जी स्टोर क्या होता है, सिग्मा इनटू इंक्रीज इन एरिया। पहले एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना है, 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, चेंज इन एरिया। इसे ओपन कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, 4 पाई को मल्टीप्लाई कर दें, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दें, तो इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डी आर का स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, कैन बी निगलेक्टेड। इसको छोड़ दें, ये कट गया, तो आपके पास सिर्फ दो टर्म बच गई। तो यहां से पाई डीआर से डीआर, 8 से 4 कैंसिल, अपने आप पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सिग्मा बाय आर, दिस इज एक्सेस प्रेशर। इसका मतलब क्या है, पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक। तो ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, किया कुछ नहीं, मेन पहला स्टेप ही है, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज सिग्मा इनटू इंक्रीज इन एरिया, बस इसे इक्वेट करें आंसर।